नमस्कार कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पनीर के पकौड़े जो कि बिल्कुल बाजार की तरह लगेंगे खाने में भी और देखने में। तो देखने से बनाने के लिए किन किन पनीर के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, दही, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, अजवाइन, रेड फूड कलर, नमक, पनीर और लाल मिर्च। आइए शुरू करते हैं बनाना अपने पनीर के पकौड़े। इसके लिए हमने ये पनीर लिया है और इसको छोटे पीसेस में काट लिया है इस तरह से क्यूब में। इसको अपने बोल में डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे एक कद्दूकस किया हुआ प्याज। इस तरह से हमने एक प्याज लेके मीडियम साइज का, हमने 7 से 8 लहसुन की तुरियाँ ली हैं और हमने एक हरी मिर्ची ली है, इसकी हमने पेस्ट बना ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे दही, तीन चम्मच हमने दही के। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मसालों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन हम सिर्फ 1/3 स्पून डालेंगे। इस तरह से हाथ में रखकर इस तरह से क्रश कर लेंगे। क्रश करने से फ्लेवर ज़्यादा बढ़िया आता है। इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। 1/3 स्पून मैंने नमक का डाला है। लाल मिर्च डालेंगे इसमें, वो भी 1/3 डालेंगे। बेसन डालेंगे इसमें, 3 चम्मच हमने इसमें बेसन की डाली है। चम्मच हमने जो है सारे मेजरमेंट्स के लिए एक ही लिया है, छोटा स्पून हमने लिया है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे रेड फूड कलर 1/3 स्पून से बहुत कम, तकरीबन आप 2-3 बूंदे कह सकते हैं। सिर्फ चुटकी भर हम 2 चुटकी डालेंगे। तो इन सबको अपने हाथ से अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि इसमें दही पड़ा हुआ है इसलिए हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें हम 2 चम्मच बेसन के और डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। अगर हम स्पून से इसको मिक्स करेंगे तो हमारा पनीर जो है टूटने लगेगा, इसलिए इसको हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमने अपने हाथों से इसको मिक्स करना है, स्पून से नहीं करेंगे नहीं तो पनीर टूट जाएगा हमारा। आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी थिक हो गई है, इस तरह से आप देख लीजिए। इसको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं तो ये टूटने लगेगा। इसको अब हम मैरिनेट करने के लिए 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसकी जो सब चीज़ों के जो फ्लेवर्स हैं अच्छी तरह से इसमें आ जाएँ। तो 20 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये पनीर जो है अच्छे से मैरिनेट हो गया, अब हम इसको फ्राई करेंगे। पनीर आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, सरसों के तेल में बना सकते हैं, जिसमें चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बनाया इसको देसी घी में भी जाता है, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें बनाएं। पनीर के पकौड़े हम बनाएंगे सरसों के तेल में। सरसों के तेल को हमने अच्छे से जला लिया है। जलाने के बाद इसको हल्का ठंडा कर लें और फिर इसमें बनाएं। एकदम गर्म गर्म में बनाएंगे तो हमारे पकौड़े जो है सड़ जाएंगे। तो आपने इसको ठंडा कर लिया, अब हम बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमने उठाना है पनीर के पकौड़े और अलग अलग इस तरह से डाल देंगे। ध्यान से डालेंगे, फीते ऊपर नहीं आने चाहिए। बड़े आसान होते हैं बनाने, बहुत ही जल्दी बनकर ये रेडी होते हैं। इसको हिला लेंगे हल्के हाथ से, इसको हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। ये तेज गैस पे ही बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हल्की गैस पे नहीं बनाते हैं इसको। जब आपको लगे गैस थोड़ी हल्की हो गई है इसको तेज कर लें। थोड़ा सा नीचे से ब्राउन हो जाने के बाद ही हम इसको जो है मोड़ेंगे। इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं, हल्के हाथ से हिलाएंगे। गैस का फ्लेम हमारा तेज है, इसको मोड़ लेते हैं। दोनों साइड से इसको अच्छा क्रिस्पी कर लेंगे। पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर में इसको निकालेंगे ताकि इसके एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं, हमारे कलर भी बहुत सुंदर आया। गैस का फ्लेम हमारा तेज़ है, तेज़ फ्लेम में दोबारा इसको डाल देंगे इस तरह से अलग अलग अलग। इसको हिला लेते हैं, इसकी हल्की हल्की कोटिंग होती है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं, एज अ स्नैक खा सकते हैं, कॉकटेल पार्टी में आप इसको बना सकते हैं, गेट टुगेदर्स, बर्थडे पार्टीज, जिसमें शायद इसको बना सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी लगते हैं। आप इसको मैरिनेट करके रख दें और जब आपने बनाना हो इंस्टेंट आप बना सकते हैं। मैरिनेट करके आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब बनाना हो आप इसको तल लें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये देखिए गैस का फ्लेम तेज़ ही रखें क्योंकि पनीर के पकौड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा हल्की गैस में, अगर हम हल्की गैस पे बनाएंगे तो ये पनीर जो है इसका टेस्ट ठीक नहीं रहेगा, सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी। गैस पे बनाएंगे, इसकी कोटिंग भी ज़्यादा नहीं है, कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं, बनकर हमारे तैयार हो गए। 2 मिनट लगे हमें इसको बनाने में।
इसको अब सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया बिल्कुल मजा से पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस पर अब हम लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, चंकी चाट मसाला MDH का, इससे टेस्ट जो है और भी बढ़िया हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको सर्व करें, गरम गरम खाएं, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। आपको कैसे लगे आप ज़रूर बनाकर मुझे बताएं। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।